जहां एक ओर भारत एक वायरस से लड़ रहा था, वहीं एक दूसरा भारत भी था जो भूख जैसे वायरस से लड़ रहा था। भूख और अपनों से मिलने की जिद उन्हें हजारों किलोमीटर की लंबी यात्रा पैदल ही तय करने के लिए मजबूर कर रही थी। अपनों से मिलने की तड़प उनके अंदर मानो एक ऐसी आग को जला रही थी कि वो मजबूर थे हजारों किलोमीटर की लंबी यात्रा भी पैदल तय करने को। कंधों पर परिवार की जिम्मेदारियां, सर पर अपने सामान लिए गर्भवती महिलाएं और बच्चे अपने घर जाने को बेताब। यह कार्य शुरू हुआ कुछ ऐसे ही योद्धाओं के द्वारा जिन्होंने ना तो किसी संस्था और ना ही किसी सरकारी मदद की अपेक्षा करते हुए निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा करने की ठानी। वास्तविकता में मसीह की कलीसिया को सड़क पर ले आने से शुरू हुआ ये दर्शन। हम रोड किनारे रहते आते थे और देखते थे कि लेडीज सब बच्चा लेके आती थी, मुरझा सी आती थी, भाई सब ऐसे ही आता था। हम लोग देख के अच्छा नहीं लगा था। हम लोग महिला सब मिल के हम लोग विचार किए और ये सब काम शुरू किए। आज हम बहने मिल के घरों से खाने की वस्तु, चावल दाल सब्जियां एकत्रित किए और हम काम को पकाने में हम जुट गए और उस मजदूरों को खिलाने पाए। जैसे कि पहले दिन हम लोग चार पांच बहनें मिलकर ये काम को शुरू किए, उसके बाद दूसरे ही दिन से हमारे सारे टोले के भाई बहन लोग काफ़ी मात्रा में सहयोग दिए। बहुत कोई चावल सब्जी के रूप में और भी बहुत अनेक तरह की चीज़ों से हम जितना सोच नहीं पाए थे उससे अधिक यह प्रोग्राम होने पाया, बहुत बड़ा रूप में हुआ। हम लोग खाना बनाते थे सुबह से और सब मिलकर उसको पैकिंग करके हाईवे रांची टाटा रोड से खतगढ़ा पहुंचाते थे, हटिया स्टेशन भी पहुंचाते थे। सब कोई मिलके सुबह से शाम तक हम लोग काम करते रहते थे। लगभग 500 प्रवासी महिलाओं के लिए सैनिटरी पैड, बच्चों के लिए बिस्कुट, पानी, दवाइयों का व्यवस्था किया और ये हमारे टीम के लिए बहुत ही अद्भुत ये अनुभव रहा हम लोगों के लिए और हम लोगों को ये काम करके बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। और भी इतना बड़ा हम लोग बहुत बड़ा काम किए, सब तरफ से हम लोग सहयोग मिला और दान मिला सब तरफ से हम लोग को, और सबको धन्यवाद देती हूँ मैं। इस पूरे मुहिम का सबसे सुखद अनुभव हमारे लिए वो था जब लोग खाने से तृप्त होते थे और हमें इस बात की ज़्यादा खुशी है कि ना सिर्फ इन आधे महीने चले मुहिम में ना सिर्फ हम उन्हें खाना खिला पाए बल्कि 500 से ज़्यादा प्रवासी मजदूरों के लिए हम लोगों ने गाड़ियों का इंतज़ाम किया और उन्हें घर तक सकुशल पहुंचाया। और जब घर पहुंच करके हमें बताया कि वो घर पहुंच चुके हैं, सच में यह अपने आप में एक आनंद भरा पल है।
इस पूरी प्रक्रिया में जुड़कर मैं प्रारंभिक कलीसिया के जीवन को जीने सकी, जिसमें सब चीज़ सबों के लिए साझा होती थी। प्रभु यीशु मसीह अपनी ज़्यादातर सेवकाई सड़कों पर चलकर ही दिए, और इस पूरी प्रक्रिया में और इस पूरी परिस्थिति में उन्होंने हमें, हम सबों को भी ये मौका दिया कि सड़क पर उसकी गवाही दे सकें। हम आप सभी लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं, विशेषकर महिलाओं को और बहनों को और मेरे तमाम युवा साथियों को, कि इस कठिन परिस्थिति में जहाँ पे सारे चर्चेज और आराधनालय बंद हैं, तो आइए अब हम परमेश्वर की कलीसिया को लोगों तक पहुँचाएँ। आइए हम लोगों को उस प्रेम के द्वारा जिसे हमने सीखा है, आइए लोगों की सेवा करें, और यही हमारी आत्मिक सेवा होगी। हम धन्यवाद करना चाहते हैं उन तमाम लोगों का जिन्होंने अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा हमें संभाला, जिसके द्वारा हम 12 दिनों से ज़्यादा चले इस अभियान में 15,000 से ज़्यादा प्रवासी मजदूरों की सेवा कर पाए। हम धन्यवाद करना चाहते हैं उन तमाम लोगों का जिन्होंने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से अपने दानों के द्वारा इस अभियान को जारी रखने में हमारी मदद की है। उनके दानों के फलस्वरूप ही हम तकरीबन 2,00,000 से ज़्यादा रुपयों का सहयोग प्राप्त किए। हम धन्यवाद करना चाहते हैं उन तमाम लोगों का जिन्होंने सुबह से लेकर देर रात तक खाना पकाने और उस खाने को पैक करने और फिर ज़रूरतमंद प्रवासी तक पहुंचाने में हम सभी लोगों की मदद की है। हम आप सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं।